एटीएम काट कर ले जाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के बाहरी जिले के रनहौला थाना पुलिस ने एटीएम को गैस कटर से काट कर ले जाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर इस मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों के कब्जे से एटीएम तोड़ने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों बदमाशों की पहचान कमल निवासी दौसा राजस्थान और परवीन निवासी दौसा राजस्थान के रूप में हुई। दोनों बदमाश पहली बार अपराध को अंजाम दे रहे थे। आउटर जिले के डीसीपी समीर शर्मा ने बताया, पुलिस को एक कॉल मिली थी कि कोई एटीएम काटने की कोशिश कर रहा है और बूथ में गैस कटर भी रखा हुआ है, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो कॉलर ने बताया कि दो संदिग्ध व्यक्ति गैस वेल्डर की मदद से एटीएम मशीन को काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने एक आदमी को पैसे निकालने के लिए अंदर आते देखा तो वो गैस वेल्डिंग उपकरण छोड़कर भाग गए। पुलिस ने एटीएम का मुआयना किया और एक टीम बनाकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनाओं के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और बदमाशों के बारे में इनपुट प्राप्त करने के लिए मुखबिरों को तैनात किया। सीसीटीवी फुटेज के निशान, स्थानीय खुफिया जानकारी और आसपास के क्षेत्रों में डोर टू डोर जांच करके पुलिस टीम को दोनों आरोपी लड़कों की पहचान मिली और उन्हें बपरौला इलाके से पकड़ लिया गया। उनकी पहचान कमल और परवीन के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान कमल ने खुलासा किया, इस घटना के पीछे वह मास्टरमाइंड है। वह मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। उसके पिता का कुछ साल पहले निधन हो गया था। वह दिल्ली आया करता था और दिल्ली के लोगों की जीवन शैली को देखता था, इसलिए वह रातों रात अमीर बनना चाहता था और इसी वजह से उसने दिल्ली में एटीएम चोरी की साजिश रची। इसके लिए उसने अपने रिश्तेदार परवीन को अपने साथ जोड़ा और दोनों ने गैस कटर, एलपीजी सिलेंडर और अन्य उपकरणों की व्यवस्था की, लेकिन जब पीएस रनहौला के क्षेत्र में एटीएम चोरी करने की कोशिश कर रहे थे तभी उन्होंने अचानक किसी व्यक्ति की हरकत सुनी और मौके से फरार हो गए। उसकी निशानदेही पर उसके साथी परवीन को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी परवीन ने खुलासा किया, उसकी एक गर्लफ्रेंड है लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण इस घटना में शामिल हो गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन डॉट इन के लिए कुलवंत कौर की रिपोर्ट। इसमें एक मेहंदी नाम का आदमी है जो कि गुड़गांव में काम करता है, वो वापस आ रहा था। उसने देखा कि एटीएम के अंदर कोई लोग घुसे हुए हैं। उसने वहीं देख के उनको पकड़ने की कोशिश की, वो लोग छुपे किसी रेडी में जाके छुपे, और उसके बाद उस मैदनी जो आदमी है उसने कॉल की फोन नंबर पे कि यहाँ पे कोई एटीएम का सामान काटने वाली सामान पड़ा है और यहाँ पे कोई एटीएम चोरी कर गया है। पुलिस ने पीएस रनहौला की पुलिस अंडर द सुपरविजन ऑफ एसीपी महेंद्र सिंह जी एंड गुड़िया साहब बहादुर गुड़िया, उन्होंने इमीडिएटली इसमें एक्शन लिया। इसमें टीम बनाई, वहाँ जाके जब देखा तो वहाँ पे एटीएम के अंदर वहाँ पे मशीन पड़ी थी, एक कटर पड़ा था, दो सिलेंडर पड़े थे और ऐसा लग रहा था कि कोई गैंग है जो कि एटीएम तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमने इसको ये कॉल एटीएम की चोरी तोड़ने की थी, तो हम इस पर जो भी है काफ़ी स्ट्रिक्टली दिल्ली पुलिस का रहा है कि इस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई। सारे हमारी जो टीम्स हैं, स्पेशल स्टाफ और एटीएस सब अलर्ट हो गई, पीएससी जो टीम थी क्रैक टीम वो भी अलर्ट हो गई। इसमें फिर हमने उस एरिया का सीसीटीवी चेक किया, इसके आसपास का सीसीटीवी सारा चेक किया। इसमें हमें दिखा कि दो लड़के आते हैं सिलेंडर को अपने खुद उठा के लेके आते हैं, दो सिलेंडर टाइप, और उसके बाद हमने जो उसकी गलियाँ चेक की तो हमें पता चला कि वो जैसे ही वो आदमी मेहनत आके आया तो वो एक गलियों से भागे हैं। तो हमें लगा कि ये कोई बड़ा गैंग नहीं, ये कोई आसपास के लोग ही देव लोग भी हो सकते हैं जो कि कोई नया गैंग है, क्योंकि कोई गैंग आता है तो या तो गाड़ी में आता है या उस तरीके से आता है प्रोफेशनल तरीके से विदिन 15 मिनट्स करके चले जाता है, पर यहाँ पे सिलेंडर के अपना इंस्ट्रूमेंट छोड़ के चले गए। तो हमने देखा कि ये कोई इतना बड़ा गैंग नहीं। फिर हमने इसमें आगे सीसीटीवी चेक किए लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिली। फिर हमने इसमें डॉग स्क्वाड की, हमारे पास सामान था तो डॉग स्क्वाड की हमने
डॉग स्पॉट को बुलाया, डॉग स्पॉट से उसको सुनाया सामान को, उसके बाद आसपास के एरिया को चेक किया। आसपास के एरिया में डॉग स्पॉट भी कोई 300-400 मीटर तक गया, उसके बाद उसने बुला दिया और करने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर हमें सफलता नहीं। फिर हमने इसमें टेक्निकल इंटेलिजेंस का काम किया कि इसके जो मोबाइल नंबर रात के 2 बजे जो रोगी इसके मोबाइल नंबर आते हैं उन पर काम किया कि उनकी किसको कैसे ऐसे मोबाइल नंबर है जिसकी लोकेशन यहाँ की और आगे की लोकेशन आ गई। इन सबके प्रयास के इन सबसे सबको मतलब इकट्ठा करके हमने फाइनली हम इसमें बहादुर पूजा जी की जो टीम है और बहादुर पूजा के दक्षिण पूजा हम इसको मैप कर पाए। हमने दोनों इसमें क्रिमिनल्स जो हैं पकड़ लिए जिसमें एक